डायरी में मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कैस्टर सीड की खेती के बारे में, जानेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की क्या है नई पहल, बताएंगे हरियाणा सरकार के नए अभियान के बारे में, समझेंगे झारखंड में स्मार्टफोन कैसे होगा उपयोगी, साथ ही बताएंगे कहां मनाया जाएगा एप्पल डे। देश के बड़े कैस्टर सीड उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस साल कैस्टर सीड की खेती करीब 50% पिछड़ी हुई है। 2 सितंबर तक दोनों राज्यों में सिर्फ 80.50 लाख हेक्टेयर में ही कैस्टर सीड की फसल लग पाई है। कैस्टर सीड उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में कैस्टर सीड की बुआई का सीजन लगभग खत्म होने को है और पूरे सीजन के दौरान दोनों राज्यों में लगभग 1.65 लाख हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती होती है, लेकिन 2 सितंबर तक दोनों राज्यों में सिर्फ 80.50 लाख हेक्टेयर में ही कैस्टर सीड की फसल लग पाई है। गुजरात कृषि निदेशालय के बुआई आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 31 अगस्त तक कैस्टर का रकबा 6.17 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान राज्य में करीब 6.37 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराने की अवधि बढ़ा दी है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा की अवधि को ऋण लेने वाले किसानों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा की अवधि को ऋण लेने वाले किसानों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। साथ में गैर ऋण धारक किसान भी इस छूट से लाभदायी होंगे। गैर ऋण किसानों के लिए ये सीमा 31 जुलाई होती है, मगर राहत के बाद उनके लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। गुजरात से गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा की अवधि बढ़ाए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। ये कदम राज्य में कम वर्षा के कारण फसल की बुआई में हुई देरी के मद्देनजर उठाया गया है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 28 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बारिश के दौरान होने वाले वृक्षपात को स्थानीय प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। झारखंड में मंगलवार को रघुवर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। अब झारखंड में देसी शराब और मसालेदार शराब महंगी मिलेगी। कैबिनेट ने मंगलवार को देसी और मसालेदार शराब पर उत्पाद शुल्क 6 रुपए से बढ़ाकर 26 रुपए प्रति LP लीटर कर दिया है। रघुवर सरकार ने राज्य के BPL परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की किस्त खुद वहन करने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा रांची के लोगों को बारिश के पानी से होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने रांची में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम पर हामी भर दी है। साथ ही झारखंड सरकार ने प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को सहयोग करने का भी फैसला किया है, ताकि झारखंड भी फिल्म शूटिंग को लेकर फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा जगह बन सके। उत्पादन को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही क्लोन से तैयार किए जाएंगे उन्नत नीलगिरी के पौधे। इन पौधों की खास बात होगी कि एक नई वैरायटी से तैयार किए जाएंगे। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो नीलगिरी का व्यावसायिक उत्पादन एक नया रुख ले सकता है। छत्तीसगढ़ में उन्नत नीलगिरी के 3 लाख क्लोन तैयार किए जा रहे हैं। नीलगिरी की इस नई वैरायटी की खास बात ये है कि ये आम नीलगिरी की तुलना में जल्दी तैयार हो जाती है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग सफल होता है तो नीलगिरी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने में ये मददगार साबित होगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी की अलग अलग वैरायटी होने से इसकी पहली फसल सिर्फ 3 साल में ही तैयार हो सकती है। छत्तीसगढ़ में प्रयोग के तौर पर लगाई गई वैरायटी CL20, BLS5 और BLS8 का केरल के पीची में सफल उत्पादन हो रहा है। ये वैरायटी वही के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। नीलगिरी के इस प्रयोग को बढ़ावा देने से नीलगिरी के व्यावसायिक उत्पादन को भी खासा फायदा होगा। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर के सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को एक भारी छूट मिलेगी। राजस्थान में अब बिजली उपभोक्ताओं को काउंटर पर 100 रुपए प्रति LED का नगद भुगतान करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने कनेक्शन का बिजली बिल और ID प्रूफ देना होगा। अब तक केवल घरेलू उपभोक्ताओं को 3 LED ही दी जा रही थी।
लेकिन अब बिजली कंपनी के नई योजना से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सहित अन्य उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब एक उपभोक्ता अधिकतम 10 एलईडी ले सकेगा। एलईडी वितरण का काम केंद्र के संयुक्त उपकरण एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस कंपनी की ओर से किया जाएगा। सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साथ साथ पूरा संरक्षण और संवर्धन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद हरियाणा सरकार ने बेटियों के संरक्षण के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। हरियाणा के करनाल में खुले पहले वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन के केंद्र में यौन उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक स्तर या फिर अन्य कारणों से प्रभावित महिलाओं को सहायता दी जाएगी। इस सेंटर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ निजी सोच के लोग बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार की इस पहल से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार अब तक की ऐसी पहली सरकार है जिसने ये पहल की शुरुआत की है। प्रदेश के इस पहले वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन का उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन ने किया। सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हाईटेक बनाने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य की उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा की पहल की है। सरकारी संस्थानों को हाईटेक बनाने की ये मुहिम अगले साल से लागू कर दी जाएगी। राज्य की उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हाईटेक बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल की है। इसके तहत राज्य के 84 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपस में 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। यानी इन कैंपस में छात्र अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा पा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इसका फायदा 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिलेगा। इनमें 65 डिग्री कॉलेज, 13 पॉलिटेक्निक, 5 यूनिवर्सिटीज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस शामिल है। फ्री वाईफाई अगले साल से दी जाएगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कहां मनाया जाएगा एप्पल डे। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। अब राज्य में जल्द ही किसानों को अलग से सिंचाई फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक नई परियोजना का लाभ झारखंड सरकार मुहैया कराएगी। अगले माह से इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को बदलने, अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल्दी आपका स्मार्टफोन अब सरकारी योजनाओं में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक उपयोगी साधन बन सकता है। इस तकनीक के लिए झारखंड सरकार ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला लिया है। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग ने एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अभियंताओं के कामकाज पर नजर रखने और योजनाओं की स्थिति की जानकारी देने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अभियंताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 200 स्मार्टफोन खरीद लिए हैं। अभियंताओं से कहा गया है कि वे क्षेत्र में जाकर योजना की स्थिति का वीडियो बनाएंगे और उसे विभाग को भेजेंगे, जिसके जरिए विभाग में कैसा काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, इस पर भी विभाग नजर रख सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकती है। सेब के उत्पादन को बढ़ाकर उसके उत्पादकों को अच्छे दाम दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार प्रदेश में सेब की खेती पर जोर दे रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में 9 सितंबर को एप्पल डे मनाया जाएगा। उत्तराखंड उड्डयन विभाग 9 सितंबर को एप्पल डे मनाने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देहरादून के किसान भवन में आयोजित सेब दिवस में राज्य में पैदा होने वाले विभिन्न किस्म के सेब का प्रदर्शन होगा। साथ ही सेब उत्पादकों के लिए तकनीकी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने उड्डयन मार्केटिंग बोर्ड बनाकर राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और सेब उत्पादकों को अच्छा दाम दिलाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन अभी मार्केटिंग बोर्ड के उद्देश्य को हासिल करने में कुछ समय लगेगा। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। अब राज्य में जल्द ही किसानों को अलग से सिंचाई फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक नई परियोजना का लाभ झारखंड सरकार मुहैया कराएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक ने सूबे के किसानों के लिए अलग से सिंचाई फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की पहल की है। इस प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें 50% अंशदान केंद्र का होगा।
शेष 50% में से 20% राज्य सरकार और 30% राशि ऋण से उपलब्ध होगी। इस परियोजना की स्वीकृति केंद्र सरकार के स्तर से मिल गई है। अगले माह से इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को बदलने और वहां 3-फेज लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। गैस सेक्टर के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अनुमति दे दी गई है। इस नई गैस पॉलिसी के अंतर्गत पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लागू होने जा रहा है। सरकार का ये कदम देश में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। नई दिल्ली में सरकार ने नई गैस पॉलिसी के अंतर्गत आर्थिक मामलों में ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अनुमति दे दी है। ऐसे में ऑयल एंड गैस कंपनियों को एक्सप्लोरेशन करने और प्रोडक्शन करने पर मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा सरकार को देना होगा। साथ ही इससे ऑयल और गैस का इंपोर्ट भी कम होगा। पेट्रोलियम मंत्री आनंद प्रधान ने कहा कि ONGC और ऑयल इंडिया के 69 छोटे और मार्जिनल ऑयल फील्ड की नीलामी को मंजूरी मिल गई है। यूनिफाइड लाइसेंस के तहत इन फील्ड्स की नीलामी की जाएगी। नीलामी के बाद इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जिससे इनको अच्छी तरह से डेवलप करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नई सुरक्षा मानकों और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स के साथ 1,000 रुपए का नोट जल्द जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। इन नोटों में रुपए का चिन्ह होगा, जिसके बीच में अंग्रेजी का अक्षर L बना होगा। 1,000 रुपए के नोट की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए इन्हें नए सिरे से जारी किया जाएगा। RBI ने इस तरह के 500 रुपए के नोट जारी करने शुरू कर दिए हैं। 1,000 रुपए के नोट छोटे से बड़े अंक आरोही स्थिति में इसलिए जारी किए जाएंगे ताकि इन नोटों की जालसाजी ना की जा सके। नंबर पैनल में अगर जनता नए नोटों में छोटे से बड़े अंक देखे तो वे भ्रमित ना हो। इस तरह के सुरक्षा मानक सिंगापुर जैसे देश में भी अपनाए जाते हैं। साथ ही इसे अपनाने से असली नोटों को पहचानने में मदद मिलेगी। 1,000 रुपए के जो नए नोट जारी होंगे वो महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत ही होंगे। उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होने और चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण चीनी मिलों की बदतर स्थिति को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलों को 2,070 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। चीनी के उत्पादन की बात करें तो इस्मा के मुताबिक अक्टूबर में चीनी वर्ष 2015-16 की शुरुआत 102 लाख टन चीनी के स्टॉक के साथ हो सकती है। चालू चीनी वर्ष 2014-15 में उत्पादन 283.23 लाख टन के करीब है, जबकि खपत 252 लाख टन अनुमानित है। 2013-14 के बचे हुए स्टॉक और चालू सीजन में चने वाले स्टॉक को मिलाकर अगले सीजन की शुरुआत 102 लाख टन स्टॉक से हो सकती है। 2014-15 सीजन में जून अंत तक 280.23 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। बाकी बचे सीजन में और 2.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। फिलहाल रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी ततैया के जहर के फायदे के बारे में। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने ब्राजील में पाई जाने वाली ततैया के जहर में कैंसर कोशिकाओं को मारने वाले तत्वों की पहचान की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्यूटीफुल और स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ को अब प्रदूषण मुक्त बनाने की ओर प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। अब जल्दी चंडीगढ़ की सड़कों पर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलेंगी और साथ ही डीजल ऑटो और प्रदूषण फैलाती गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। शहर के वातावरण को काले धुएं से प्रदूषित करने वाली इन गाड़ियों और ऑटो की जगह जल्द ही बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलती दिखाई देंगी। चंडीगढ़ प्रशासन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मुताबिक जल्द ही इन प्रदूषण फैलाती गाड़ियों की जगह बैटरी वाली गाड़ियां चलने लगेंगी। विभाग के निदेशक संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रमुख पैरामीटर पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है। इसी के तहत प्रशासन ने बैटरी गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैटरी वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों पर लगने वाले वैट को खत्म कर दिया है और रोड टैक्स में भी 50% की छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही धीरे धीरे मौजूदा बसों को बदल कर बैटरी बसें लाई जाएंगी। पाकिस्तानी चावल के इंपोर्ट के लिए राजी हो गया है। अब ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरानी बाजार में फिर से पाकिस्तानी कारोबारियों की एंट्री शुरू होने जा रही है। इससे भारत से होने वाला चावल एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने का फायदा पाकिस्तान को होने वाला है।
प्रतिबंध हटने के बाद पाकिस्तान फिर से ईरान को चावल का एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में ईरान का दौरा किया है और वहां पर चावल इंपोर्ट को इजाजत देने वाली सभी संबंधित एजेंसियों से बात की है। प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक ईरान फिर से पाकिस्तानी चावल के इंपोर्ट के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान से ईरान को चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाने की स्थिति में भारत से एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। 14 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का सिक्का जारी करेगी मोदी सरकार। जी हाँ, अगले साल तक आपको 125 रुपए का सिक्का देखने को मिल सकता है। अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर सरकार 125 रुपए का सिक्का जारी कर सकती है। मोदी सरकार संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने वाली है। कैंसर के इलाज की दिशा में एक और सफल उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने ब्राजील में पाई जाने वाली ततैया के जहर में कैंसर कोशिकाओं को मारने वाले तत्वों की पहचान की है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने ततैया की प्रजाति पलीबिया पलिस्ता के जहर में एक तत्व MP1 की पहचान की है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है। तत्व MP1 कैंसर कोशिकाओं की सतह पर जाने वाले लिपिड को निशाना बनाता है। इससे कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिनसे कैंसर कोशिकाओं के बने रहने में जरूरी भूमिका निभाने वाले अणु बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया से कैंसर कोशिकाएं स्वतः नष्ट होने लगती हैं। प्राथमिक उपचार के जरिए टाल सकते हैं सांप के काटने से होने वाली मौत। बस जरूरत है तो प्राथमिक उपचार से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखने की। क्या है ये पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। सांप काटने से दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या में भारत सबसे आगे है। WHO के मुताबिक हर साल 83,000 लोग सांप के दंश का शिकार होते हैं और उनमें से 11,000 की मौत हो जाती है। मौत का सबसे बड़ा कारण है तुरंत प्राथमिक उपचार का समय पर ना होना। अगर सही समय पर प्राथमिक उपचार किया जाए तो ये टल सकता है। भारत में सांपों की लगभग 236 प्रजातियां हैं। इनमें से ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। आम धारणा है कि सभी सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसे सांपों के काटने से सिर्फ जख्म होता है, मौत डर के कारण हो जाती है। इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।